और ये आ गई हमारी हरक्यूलिस, जिसका 90% असेंबल्स बोल रहे हैं और 10% इसका हमें करना है, जो कि हमें नहीं आता। हम पास में एक साइकिल्स वर्कशॉप है, इसके पास इनसे हम असेंबल कराने के लिए आए हैं, जो कि बहुत अच्छी वर्कशॉप है ये भी। यहाँ पे साइकिल्स मिलती हैं। इनसे साइकिल ना लेने का कारण ये था कि ये हरक्यूलिस की साइकिल नहीं रखते हैं, और हमें हरक्यूलिस की साइकिल वन चाहिए थी, यह A26R1। हमारे भैया साइकिल वाले भैया अनबॉक्स कर रहे हैं साइकिल को। बस इनसे हमने साइकिल इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि हरक्यूलिस की साइकिल नहीं रखते। नहीं रखते ना भैया? और ये हरक्यूलिस A26R1 अनबॉक्स होती हुई, जिसको कंपनी ने बोला है 90% असेंबल है, 10% भी हम पे असेंबल नहीं हुई, उस डर से हम भैया के पास ही ले आए। इसका ब्लैक मेटी कलर जिस पर ब्लू एंड ग्रे की स्ट्रिप्स हैं। ये गद्दी भैया नजर फेंक दी फेंक यही मेहनत करते हुए भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया। और ये पूरी साइकिल डब्बे से बाहर, सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कि 45 इंची टीवी के डब्बे में साइकिल बाहर आ गई हो, स्क्रेच मारते हुए भैया हमारी साइकिल पे। चलो भैया डब्बा साइड कर दो, तो भैया हमारी साइकिल को असेंबल करेंगे अब। भैया कितनी गाड़ी साइकिल असेंबल कर देते हो दिन भर में? इन्हें काउंटिंग ही नहीं पता कितनी कर देते हैं। मेरे हिसाब से 50-60 साइकिल डेली असेंबल होती है यहाँ पे। इतना बड़ा स्टोर है, बाहर भी क्रॉस के डिब्बे आए रखे नए। और ये एक टायर अलग, मेरे हिसाब से इसका टायर ही जुड़ना होता होगा। अच्छा, टायर, हैंडल और पैंडल और सीट्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। और सर तो हमारे आते ही थे, सर के पास बहुत अच्छी साइकिल है जो कि सर ने यहीं से साइकिल खरीदी थी। अब उनसे बात करेंगे कैसे चली वो साइकिल। ये इसके जो आए होंगे ना चाबी पोना से हमारे, वो हमारे पैक ही रहने, वहाँ से दे देना हमें। हाँ, क्यों कभी काम आ जाए हमें। भैया बता भी देना साइकिल कैसी है। ये कुछ आए हैं टूल्स इस साइकिल के साथ। हम चाहते तो घर पे भी इसको असेंबल कर सकते थे, बट हम रिक्स ही लेना चाहते थे कि असेंबल होने के बाद भी इसमें हमें हवा डलवाने के लिए भैया के पास ही आना होता, इसलिए हम पहले ही आए। और ये डिब्बा आराम से गाड़ी के अंदर रख के आ गया, और जब ये खुलने के बाद साइकिल गाड़ी में नहीं, हमारी में नहीं आती। और ये वेन्यू की बैक सीट पे फोल्ड होके पूरा डिब्बा आ गया। और ये हमारे फ्रेंड हैं, ये विक्रम शर्मा, जो हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं। इन भैया ने यहीं से साइकिल खरीदी थी। सर से क्या नाम था आपकी साइकिल का? सनेल करके कोई साइकिल है, बहुत अच्छी। कितने सर की रुपए की होगी वो? 23-24 हज़ार रुपए की सर ने साइकिल खरीदी, और इनकी वजह से मुझे ये साइकिल लेनी पड़ी है। उसका रीजन है कि मेरा पेट ऐसा हो करता था, अब ऐसा हो गया है। इन्होंने इन्होंने 1 महीने में 10 kg वेट लूज किया है साइकिल चला के, ठीक है। और देख सकते हो इनका इनका लुक देख लो। और ये अब हमारी साइकिल असेंबल होने में लगी हुई है भैया, और ये पूरी वीडियो बनेगी, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वीडियो आपके लिए पहुंचाना मेरा काम है। और इन्होंने बहुत ही रीजनेबल रेट मुझे बताए, असेंबल के चार्जेस बहुत कम। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से साइकिल खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि इतने अमेजोन वो लेगा पैसा। मैं भैया से पूछ के फ़ोन करके पता किया, तो इन्होंने मुझे ऐसे 200 रुपये में साइकिल असेंबल करके दे रहे हैं। अब ये साइकिल असेंबल कर रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी पेचकस घुमा रहे हैं। और मुझे लग रहा है इनको जल्दी थोड़ा ये भी होगी कि हम लेट आए हैं, और इन्हें घर भी जाना होगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, इतने काम कर रहे हैं, इनका स्टोर दिखा देता हूँ। आइए सर, आपकी साइकिल भी देखेंगे। ये इनका सब पूरा साइकिल का है सामान, यहाँ सारी साइकिल्स हैं। और भैया
अच्छे अच्छे साइकिल्स रखते हैं अपने स्टोर पे। ये ग्रेटर नोएडा गामा फर्स्ट जगत फार्म पे है, द साइकिल वर्ल्ड करके नाम देख लीजिए आप, और इनका मोबाइल नंबर भी मेंशन, अगर आप चाहें तो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं एड्रेस के साथ। बच्चे से लेके बड़े तक की इन पे सारी साइकिल्स हैं, प्लस एसेसरीज हैं सारी, और साथ में सारी एसेसरीज ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एसेसरीज हैं सारी साइकिलों की, और रीज़नेबल रेट है इनका भी साइकिलों का काफ़ी अच्छा। कोई साइकिल अगर आपको 14-15 हज़ार की मिल रही है तो भैया के यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्काउंटेड रेट लगा रखे हैं भैया ने, बहुत ही रीज़नेबल। जैसे कि ये देखिए, ये इनके पास सारी एसेसरीज होती है, और ये भैया हमारे खाना खा रहे हैं इस टाइम। ये देखिए पूरा स्टोर है साइकिलों से भरा हुआ, और ये हमारी साइकिल लगभग तैयार होते हुए, ये पैंडल लगा दिया इन्होंने, पैडल हो गया और ये हैंडल होता है ना, हैंडल लगा दिया है, और ये फोन काटो। आप छोटे भैया 18 साल से कम के तो नहीं हो? बिल्कुल ही कम के नहीं है, 18 साल 3 महीना हो गए हैं, और लग भी बिल्कुल नहीं रहे हैं ये, हाँ 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, और ये भैया ने सीट लगा दी है, बहुत बढ़िया भाई। भैया कितने साल से कर रहे हो आप साइकिल का काम? 5 साल भैया के हो गए हैं, और लगभग 5 साल ही छोटे भैया को हो गए हैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि 5 साल हो गए हैं, बट हम कह रहे हैं 5 साल हो गए, मानना पड़ेगा आपको। इनको भी एहसास नहीं हुआ 5 साल हो गए हैं। अच्छा भाई मजा आता है काम करने में? बढ़िया, ये देखो पूछना चाहिए, सैलरी वाली टाइम से मिल जाती है। वैसे भैया का इन्हें सैलरी से कोई मतलब नहीं होता, इनका अपना अलग होता है, भैया सर्विस करते हैं साइकिलों का, इनका सेल से कोई मतलब नहीं होता है। और ये राहुल है जो हमारी साइकिल को चला के लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाले भैया और हम तो गाड़ी लेके जाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, उसके बाद इसको रनिंग करेंगे हम, आज चला देंगे 50-50 किलोमीटर ही पूरे दिन में। ये भैया ने टायर लगा दिया है, और इसमें कुछ एसेसरीज भी लगवाऊंगा मैं, जो कि नहीं आती हैं साइकिल के साथ, कुछ एसेसरीज हैं वो लगवानी पड़ेंगी हमें। वो तो नहीं लगवाना मुझे, बैग में आ जाता भाई। खेल लिए इस साइकिल में, खास बात यह है इसमें डबल डिस्क का ब्रेक है, आगे भी और थोड़ा टाइट चलता है, पीछे भी। एक्चुअली अगर हम घर पे करते हो हमें तो पता भी नहीं होता कौन सा तार टाइट करना है, कौन सा ढीला करना है। घर पे नहीं होती, भैया ने बोल दिया आपसे घर पे नहीं होती है। भैया कपड़ा नीचे कर लो, वीडियो बन रही है, कपड़े मत उतारो भाई। भैया कह रहे हैं कपड़े उतारने का टाइम हो गया, पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रहे हैं ये। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उस चीज़ को लेके। और इस साइकिल में लगे हैं भैया कौन से गियर लगे हैं इसमें? इसमें टॉप कंपनी के गेट लगे हुए हैं, जो कि बोलते हैं कौन सा बोलते हैं, वो ऐसे होता है। इसमें सिमानो के गेट लगे हुए हैं, जो कि ये भैया बताते हैं इससे अच्छे गेयर आते ही नहीं है साइकिल में। बाकी और भी हैं साइकिल्स, उनमें अच्छे गेयर है, बाकी डिपेंड करता है कौन सा गेयर किस है। अभी भैया गेयर और ब्रेक ही सेट कर रहे हैं अभी, उसके बाद आई थिंक लहक वगैरह भी निकालेंगे, राइट भाई? आपको कभी भी कोई भी काम हो जगत फार्म पे, इनकी दुकान है, दुकान नहीं बोलते इसको, बहुत बड़ा शोरूम है, जो कि किसी भी साइकिल की सर्विस करते हैं भैया, प्लस साथ में सेल्स परचेज भी कर लेते हैं कभी कभी। अगर आपको सेल बेचनी हो, आप किसी साइकिल से परेशान हो, तो ये एक्सचेंज भी करके दे देते हैं। मॉडिफाई तो भैया नहीं करते हैं, बाकी एसेसरीज वगैरह आपको लगवानी हो जेन्युइन तरीके से तो करते हैं। हम करेंगे ना मॉडिफाई? मॉडिफाई हम नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। हाँ हम सिंपल रखेंगे भैया को, जल्दी है थोड़ी घर जाने की, हम थोड़ा लेट आए। इसके साथ इनको आई थिंक वो भी देना चाहिए था ना भाई, हवा भरने वाला पंप भी?
नहीं इतने पैसे कुछ कुछ कंपनियां देती है ना, नहीं एक मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो, उस कंपनी में दिया था पंप भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया कह रहे हैं कि अगर कोई से साथ पंप वगैरह आप लेते हो तो उसका अलग से पैसा जाता है। तो भैया खैर रोज अनबॉक्सिंग करते हैं हमसे ज़्यादा, तो भैया को ज़्यादा पता होगी। भैया सारी पिन्नी मत छूटा ना, लगना चाहिए साइकिल में ये एक आदमी। अच्छा ठीक 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 ठीक, जैसा आपको सही लगता है बाकी आप कर सकते हो। और ये हमारे आशिक सर, और सर ये आपको जब भी मिलेंगे कभी भी हमारी किसी वीडियो में इनका फोन ऊपर ही हाथ में मिलेगा, कभी पॉकेट में नहीं मिलेगा। और सिमानो के गेयर्स भैया सेटिंग करते हुए, ये सिमानो गेयर एक्चुअली वैसे ही सही बता रहे हैं, होते ही सही हैं, सबसे बढ़िया। चलो सिमानो के मैंने सुना सिमानो की सबसे पुरानी गेयर सिमानो के ही हैं, तो सबसे पुराने जो गेयर हैं वो सिमानो के ही होते हैं, बाकी अपडेट भी काफ़ी गेयर हैं बट आवाज़ चेंजिंग का थोड़ा फ़र्क होता है, तो वही चीज़ वही चेक कर रहे हैं कि गेयर स्मूथली डल जाएं। ये जो हरक्यूलिस 826 R1 का जो हमारा फ्रेम बना हुआ है वो एल्युमिनियम फ्रेम है, और ये कोई उसमें नहीं है आपके SS में वगैरह में। एल्युमिनियम का फ्रेम जो होता है वो आपकी नॉर्मल साइकिल से 1 किलो के आसपास हल्का रहता है और लाइफ अच्छी होती है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं, और लगभग 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद लगभग हमारी साइकिल लगभग सबसे पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। थोड़ी बहुत कमी भैया कर रहे हैं, टायर घुमा घुमा के डिस्क ब्रेक की सेटिंग कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं इसमें जो गियर आते हैं ये देख रहे हैं आप। हाँ बोल दिया भैया ने, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। ये बेस्ट गियर हैं साइकिल्स में, ये लुक देखिए एक बार आपको। बाकी अभी रात हो रही है, दिन में मैं इसकी वीडियो एक बार बनाऊंगा आपको, दूसरी वीडियो बना के जरूर डालूंगा। दिख जाएगी उन्हें भैया ने मेरे घर अंदर वैसे भूत भर दिया।